फ्रेंड्स, इन्फोसिस के शेयर पर बाजार बंद होने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त प्रेस रिलीज निकल कर आ रही है। तो देखते हैं ये न्यूज़ इन्फोसिस के शेयर को वापस 1450 के आसपास ले जाने में कामयाब रहती है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तब ये शेयर लगभग 1450 के आसपास था, और वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा था कि इस बार आईटी कंपनियों को ये नतीजे रिकॉर्ड स्तर पर आएगी, मगर वहाँ पर इन्फोसिस के नतीजे में थोड़ी कमी रह गई और इसी वजह से वहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो भी पोजीशन बनाकर बैठे थे उसको अभी भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा। हालांकि ये शेयर 1300 के नीचे भी नहीं जा रहा है और आज 1390 के आसपास अच्छी क्लोजिंग भी दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बार बार कोलोब्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ तो आती रहती है, मगर इस शेयर में कोई खास ऊपरी स्तर के लेवल हमें देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो इन्फोसिस ने आर्करॉक नाम की एक यूएस बेस्ड कंपनी जो कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर उसके साथ इन्फोसिस ने कोलोब्रेशन किया डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए। और यहाँ पर ये जो नेशनल गैस कंप्रेसर का जो फील्ड होता है वहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए ये मोबाइल टूल्स बनाएगी, और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी इस कंपनी के लिए कंपनी अप्लाइड करेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका कल शेयर पर कोई खास पॉजिटिव इफेक्ट आता है या नहीं, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर का बताया जा रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है।